बहुत से बेड्स क्या इसके नीचे और कक्ष है या ये अंतिम कक्ष? यही है इसके नीचे और नहीं, खाली पड़ा है। वैसे मुझे साइड में कुछ और दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेड्स लटके हुए हैं, चले थोड़ा सा इधर मुझे दिखाइए। केवल बेड से यहाँ पर ठीक रहा है। धीरे धीरे आगे जा रहे हैं विवेक जी, और पीछे पीछे मैं ये सामने देखिए कितने बैट्स कितनी संख्या में उड़ रही है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये नीचे और नीचे यहाँ पर कुछ मार जाता है। ये देखिए सामने वहाँ पे खोदा भी गया है बिल्कुल, और अवश्य ही ये कोई गुप्त मार्ग का द्वार है। इस तरफ देखिए सामने उस तरफ कितने बैट्स हैं। नीचे एक और है नवीन जी, नीचे और भी है। बिल्कुल नीचे और इसके नीचे अन्य एक कक्ष और है ऐसा लग रहा है, या फिर कोई गुप्त मार्ग है। बिल्कुल है, क्योंकि उस तरफ भी उसकी संरचना को देखकर ऐसा लग रहा है। और निर्माण शैली 3 सेमी सर्कुलर और चाहिए। आइए आइए आगे आइए। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है? बिल्कुल है जी, गुफा है। ये देखिए ये दबी हुई है। बिल्कुल 100% यहाँ पर कोई गुप्त मार्ग। हम उसमें इतने छोटे नहीं कि वहां चले जाएं। बिल्कुल, और ये यहाँ पर ऐसे बैट्स वगैरह हैं काफी संख्या में, और ये रेत से ढक चुकी है काफी। थोड़ा इसमें रास्ता बचा हुआ है, थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अंदर तक मार्ग जाता हुआ, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे। लास्ट और काफी बैट्स हमारे ऊपर फड़फड़ा रहे हैं। अंदर तक सुरंग नुमा एक मार्ग, और इसके ऊपर एक छोटा सा आर्च, यानी कि ये पूरा गेट हुआ करता था कभी। बिल्कुल, तो चलिए इससे आगे तो हम जा नहीं सकते। उधर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बैट्स देखिए वहीं से निकल, वहाँ पर काफी संख्या में बैट्स लटके हुए हैं, तो उस तरफ जाना ठीक नहीं रहेगा। और हमारे ऊपर से उड़ते हुए उड़ान भरते हुए वो इरिटेट हो रहे हैं लाइट से आई थिंक। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से, आप आगे चलिए मैं आपको थोड़ी रोशनी दिखाता हूँ। नवीन जी कैसी रही यात्रा सुरंग की? बस जी अंदर का जाने लायक मार्ग नहीं था, पर वहाँ है 100% है जी। तल से नीचे एक और तल है। बिल्कुल है,
इसमें कोई संदेह नहीं है, और यही कारण है कि इसको चुना गया रिक्रिएट करने के लिए। और ऊपर के कक्ष में गुप्त तिंजोरी नुमा तिंजोरी भी बनाई गई है। और ये देखिए इस तरफ नीचे ऐसा लग रहा है कि नीचे आर्च बनाई गई है, नीचे कोई गेट है, गेट के ऊपर की आर्च है, यहाँ नीचे भी है, इसके नीचे या तो कोई कक्ष है या फिर कोई गुप्त मार्ग है। नीचे ऑक्सीजन का लेवल काफी कम था नवीन जी। बिल्कुल, और आज काफी गर्मी भी है, बैट्स का भी खतरा था, हमारे ऊपर मंडरा रहे थे, बार बार फड़फड़ा रहे थे। और आप तो जानते हो कि कितनी बीमारियां फैली हुई है बैट्स से, H1N1, कहीं पे कोरोना कहीं पे कुछ। तो ये था, ये है इस मंदिर का, मंदिर नुमा जो इमारत लग रही है उसका बाहरी तरफ से। ये यहाँ पर फिर से बहुत टाइट है, कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है। थैंक यू। इस तरफ आइए, वहाँ पर एक मंदिर और है। हाँ, चलिए उस मंदिर को देखते हैं। ये सामने वो दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं। और ये बाहरी एक और विशेष चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे महादेव का उससे पानी चलता रहता है। बिल्कुल जी, उसको भी देखेंगे। तो इस तरफ भी एक खंडरनुमा इमारत और शेष जिसके बचे हुए हैं कुछ। और ये कितना सुंदर दृश्य, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितनी विशाल शिलाओं से निर्माण किया गया है। कुछ यहाँ पर सफाई की गई है, लकड़ियाँ काटी गई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जबकि मरम्मत। बिल्कुल, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे गिरने वाला है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अंदर से। ये स्केयर छत है और ईंटों की। आगे का लिंटल टूटा हुआ है। बिल्कुल, वो बीच से क्रैक है तो उसके नीचे जाना ठीक नहीं रहेगा। इधर से भी क्रैक है तो जल्दी से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पर खंभों पर, पिलर्स पर कुछ नक्काशी। और ये इनके बीच में कीस्टोन से फिक्स किए जाते थे और उनके ऊपर ये स्लैब रखी जाती थी भारी पत्थरों की। ये भी शायद किसी मंदिर के अवशेष मेरे हिसाब से, बाकी अभी स्थितिग्रस्त है और ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते इसमें। चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं। ये देखिए ये किस तरह का निर्माण कार्य है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामने से आगे भी कोई निर्माण कार्य है, गेट है
थोड़ा एक बार देख लेते हैं उसको भी। ये देखिए यहाँ पे ये द्वार की, यानी ये काफ़ी रिक्रिएटेड है बाद में, लेकिन ये ऊपर का है, ये नीचे तो आर्च डली हुई है। इसका मतलब है कि ये नीचे काफ़ी यहाँ पर मिट्टी भरी गई है वो लेवल को देखते हुए। उसी में गए थे ना अभी? हाँ, वहीं से अभी आए हैं। तो अभी एक इमारत और है यहाँ पे, उसको देखते हैं। ये क्या हड्डी सी है ना ये? ये हड्डी सी लग रही है मुझे। ये हड्डी कैसे हो सकती है? सेडिमेंट्री रॉक, ये रॉक सी हैं किसी और तरह के। ये देखिए, ये कुछ टाइम में इनका वेदरिंग होके ये इस फॉर्म में आ जाती है, उसके बाद में फिर ये होते होते ऐसे। तो ये देखिए निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है। दरवाजे, तीन दरवाजे, चार दरवाजे इसमें, इस तरफ और उस तरफ भी कुछ दरवाजे गेट हैं, और सभी बंद किए हुए हैं। ये राज मंदिर है, राज मंदिर। और देख सकते हैं कितना सुंदर। और यहाँ पर आप दूर से देखकर ऐसा लगेगा कि ये मार्बल है, लेकिन ये मार्बल नहीं है, ये पत्थरों पर चूना इस तरह से लगाया गया है कि ये दूर से मार्बल प्रतीत होता है। ये इधर से देखिए सोना, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ इसका मरम्मत कार्य चल रहा है। और ऊपर की नक्काशी देखिए आप, कितनी सुंदर नक्काशी है, गुंबद नवा ये स्ट्रक्चर है। बाहर से देखते हैं, यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य। और इसके पीछे एक और प्राचीन मंदिर जो स्थितिग्रस्त पूर्ण रूप से। इधर से कोई रास्ता, चलिए इधर से ही चलने की कोशिश करते हैं। काफी कंटीली झाड़ियां यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकला जाएगा, तो वापस दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे यहाँ से निकलते। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में ये दीवार बाद की है, या फिर ये मंदिर जो ये वाला हिस्सा है ये बाद का प्राचीन हिस्सा, इस तरफ दूसरी तरफ से।
ये उसी का रास्ता यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से बैट्स के बैट्स ही बैट्स हर जगह है। और यहाँ पर छत देख सकते हैं और कोई अवशेष दिखाई नहीं दे रहे, किस तरह के यहाँ पर मंदिर रहे होंगे या पूजा अर्चना किस ईष्ट की होती होगी। इसका अंदर का एंट्रेंस उसका एंट्रेंस किधर से ऊपर का, इधर एक मंदिर श्री हनुमान जी महाराज, चलिए चलते हैं इससे आगे। किस तरफ से चलना चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ से रास्ता है तो इधर से देखते हैं किस तरह का निर्माण कार्य है इसमें। वैसे जहाँ तक अंदर हाथ जा रहा है अंदर ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक रास्ता। बिल्कुल यहाँ पर कोई द्वार था जिसे बंद कर दिया गया, इसके अंदर इमारत सामने हमीर देव हठी हमीर का महल, जिसके अंदर एंट्री करना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका कारण क्या है ये अस्पष्ट है, लेकिन एंट्री नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हम देख ही चुके हैं, और यहाँ पर एक द्वार जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी गुप्त मार्ग का द्वार है, कुछ और भी हो सकता है लेकिन देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और इसकी छत देखिए आप विवेक जी, हाँ ये पॉइंटेड आर्च में है देखिए, और लंबी उसमें ये पत्थरों को रखा गया है, और ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड इसको कहा जाता है। और यहाँ पर दरवाजा भी होता था, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, इसको आगे से बंद कर दिया गया है। और आगे कुछ और इमारतें हैं उस पर उनको देखते हैं इसका रिनोवेशन का कर। और यहाँ पर ये क्या है, मंदिर आ गया थोड़ी दूर, दिख रहा है वो टप्पर इधर घूम के, ये इधर पालाती देवी मंदिर। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके नीचे भी कोई कक्ष है, ऊपर से स्थिति ग्रस्त पाताली देवी,
थोड़ी उच्चारण में त्रुटि। पाताली देवी, पाताल में रहने वाली देवी। और यहाँ पर इधर कोई और कक्ष। चलिए वापस। और पीछे की तरफ कुछ और इमारतें, यहाँ पर भी एक मंदिर के अवशेष, इसके ऊपर भी एक मंदिर के अवशेष श्री हनुमान जी महाराज, और सामने भी देखिए। और आप ये देखिए, सबसे सुंदर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चलिए इसको चलते हैं वहाँ पर। ध्यान से रहे। इस तरफ श्री सिद्ध पीठ काली का मंदिर, तो पहले इस तरफ का भ्रमण करते हैं, फिर थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर दूसरे स्थान का भ्रमण करेंगे। तो जैसा मैं दिखा रहा था नोटिस, हीरो बनने की कोशिश ना करें। कभी आप जलाशय में स्नान करने उतर जाएं और किसी का आपके कारण पेट भर जाए, ये जलाशय सूखा हुआ। एक मुझे यहाँ पर एक यहाँ के लोकल मिले थे, उन्होंने कहा अगर यहाँ की सुंदरता को देखना है तो बरसात के दिनों में यहाँ पर आइए, हर तरफ हरियाली। इधर एक इमारत और ये सामने उद्यान, एक ये भी लोक है। ये कोई केले की इमारत। पहले कुछ थोड़ा सा खाना पीना हो जाए, सुबह से घूमना घूमना हो रहा है। ये वो है पोहा। पोहा